दिल्ली हाई कोर्ट पर आज सभी की नजरें टिकी हुई थी। सीएम अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई होनी थी। केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी थी। ईडी ने कथित शराब घोटाले के मामले में दिल्ली के सीएम को गिरफ्तार किया है। इस वक्त केजरीवाल न्यायिक हिरासत में है, तो क्या फैसला दिया हाईकमान ने, देखिए रिपोर्ट। शराब घोटाला मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने 21 मार्च को अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट किया था। इसके बाद उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। 3 अप्रैल को मामले की सुनवाई करने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। आज जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की कोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला सुना दिया। हाई कोर्ट के फैसले से सीएम अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है। उनको गिरफ्तारी से राहत नहीं मिली है। हाई कोर्ट ने गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है। इसका मतलब ये है कि वे अभी तिहाड़ जेल में ही रहेंगे। फैसला सुनाने से पहले कोर्ट ने कहा कि याचिका जमानत के लिए नहीं है। याचिकाकर्ता ने हिरासत को गलत बताया। कोर्ट ने कहा कि दस्तावेज के मुताबिक केजरीवाल के खिलाफ साजिश के सबूत दिखाई दे रहे हैं। गवाहों पर शक करना कोर्ट पर शक करने जैसा है। मुख्यमंत्री को विशेषाधिकार नहीं है। जांच पूछताछ से सीएम को छूट नहीं मिलेगी। कोर्ट ने कहा कि ईडी के पास पर्याप्त सबूत मौजूद है। जज कानून से बंधे हैं, राजनीति से नहीं। वहीं आम आदमी पार्टी दिल्ली हाई कोर्ट के इस फैसले से सहमत नहीं है। अरविंद केजरीवाल हाई कोर्ट के निर्णय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। कल फैसले को उनके द्वारा सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।